एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेट यूनिवर्सल सेट जो बराबर है ए बी सी डी ई एफ के एंड ए इज इक्वल टू ए ई एफ फाइंड। सबसे पहले नंबर 1 पर है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए को तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम हो जाएगा। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इज इक्वल के बाद हम यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिखेंगे, उसके बाद फिर ये माइनस जो है वो माइनस देंगे। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ए की वैल्यू लिखेंगे जो सवाल के अंदर हमें मौजूद है। तो हमने ए अब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए की वैल्यू, तो देखें एक जैसे मेंबर जो हमें वो कट जाएंगे या स्किप हो जाएंगे। ए जो है ए में स्किप कट हो जाएगा या स्किप समझ लें, ए ई जो है वो भी खत्म हो जाएगा, एफ एफ दोनों में एक जैसे जो दोनों में मेंबर्स होंगे वो समझ लें खत्म हो जाएंगे या फिर स्किप हो जाएंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो मेंबर बचेंगे सेम मेंबर के खत्म होने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में मेंबर बचेंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा। तो ए ए में खत्म हो गया, ई ई में खत्म, एफ एफ में खत्म, बाकी हमारे पास डी बचता है वो लिखा सी एंड डी। तो इसी तरीके से अब नंबर्स 2 सम जो है वो स्टार्ट करते हैं जिसमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें ए की जो वैल्यू है वो तो हमें क्वेश्चंस के अंदर दी गई है, तो इसलिए अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो अब ये देखें अकॉर्डिंग टू हर सम जो भी सम है उसमें ऐसे मालूम करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने पहले सम में एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करके रखा तो इसमें क्यों मालूम करें, नहीं इसमें नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू सम इसको दोबारा मालूम करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। तो इसी तरीके से हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करेंगे तभी हम ए के साथ उसको यूनियन कर सकेंगे। अगर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ही नहीं होगी तो हम ए के साथ यूनियन कहां से नहीं कर सकते। तो पहले ए की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जैसे इसी तरीके से सम नंबर 1 में हमने मालूम की उसी तरीके से हमने देखे ये फिर सम नंबर 2 के अंदर हमने मालूम करके ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखी। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हासिल होने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करना है ए के साथ, देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए पहले है तो ए की वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए ई एफ यूनियन, उसके बाद फिर ए कॉम्प्लीमेंट आंसर जो हमें ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। यूनियन में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 1.2 के अंदर हमने ये चीजें सीख कर रखी हुई थी कि यूनियन हम कैसे मालूम करते हैं। रिपीट अगेन कर लेते हैं कि यूनियन में क्या होता है कि जो दो सेट होते हैं उनके मेंबर्स की हम तरतीब बनाकर लिख देते हैं। तो इन दोनों में से जो है जो मेंबर होंगे उसकी तरतीब सबसे पहले ए आता है तो ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। अब ये इसमें अगर रिपीट हम कभी भी जो है वो मेंबर नहीं करते तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये आपका आंसर हो गया। नंबर 3 जो सम है उसमें देखें यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें यानी यूनिवर्सल का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस क्यू, यानी यूनिवर्सल को यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो हमने लिखा यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यू माइनस यू है तो यू यानी यूनिवर्सल की ही, यू से मुराद यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल की हमने जो है वो वैल्यू लिखी माइनस या अगेन यूनिवर्सल के ही मेंबर लिखे। अब ये देखें दोनों में से दोनों के मेंबर बिल्कुल ए जैसे हैं तो ये दोनों के मेंबर कट होकर या स्किप हो जाएंगे तो इनमें कोई भी मेंबर बचेगा नहीं इस यूनिवर्सल के साथ, तो इस
लिहाजा इसलिए हमने यूनिवर्सल जो कॉम्प्लीमेंट है वो इज इक्वल टू नल सेट है, यानी कुछ इसमें मेंबर नहीं बचा तो इसलिए इसको नल सेट कर दिया। अब देखें ये भी नल सेट की जो है नंबर फोर सम के अंदर नल सेट की सैंपल है, तो नल सेट में हम नल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस नल सेट। तो नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पहले यूनिवर्सल के सेट के मेंबर लिखें, माइनस किया नल सेट के सैंपल को। अब नल सेट इसके पास तो कोई मेंबर है ही नहीं, क्योंकि अगर सेम मेंबर होता तो इसमें से कोई कट होता या स्किप होता, मगर अब इसमें से कोई स्किप हो ही नहीं रहा, तो यू के पास जितने मेंबर बचेंगे वो हम लिख देंगे। तो लिखा हमने, अब ये हमारे पास जो है ये नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये नल सेट के कॉम्प्लीमेंट की सैंपल है, इज इक्वल टू वही मेंबर जो यू के पास यानी यूनिवर्सल के पास सारे के सारे मेंबर मौजूद हैं, तो हमने वही मेंबर लिख लिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब नंबर फाइव जो है उसमें देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम 1.2 के अंदर हमने इंटरसेक्शन जो है वो सीख कर रखी हुई है। अब देखें सबसे पहले हमें मैं आपको होमवर्क करना है, मगर मैं आपको समझा देता हूँ कि आप करें कैसे। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें इसी की तरह, फिर इसी की तरह ए कॉम्प्लीमेंट जब मालूम हो जाए तो देखें इसमें हमने नंबर टू के अंदर यूनियन मालूम की है, इस नंबर फाइव के अंदर हमें जो है इंटरसेक्शन मालूम करें। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो मेंबर एक जैसे होंगे वो हम आंसर के अंदर लिखेंगे, तो इसलिए एक अब ये इसका भी आंसर आप निकालें खुद और उसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर जाएंगे, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सीख लिया है, इंटरसेक्शन भी करना आपने 1.2 के अंदर सीख के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आज का लेक्चर ये खत्म होता है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको ये समझ में भी आया होगा, इस तरीके की आप अपने सम्स बनाकर रफ कॉपी पर उसकी प्रैक्टिस करें, ये जो लेक्चर है ये अपनी फेयर कॉपी पर लिखें ताकि आपको तैयारी करने में हेल्प करे। आज का लेक्चर ये खत्म होता है, इंशाल्लाह दोबारा नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।